जयपुर जवाहर कला केंद्र में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दूसरे दिन शनिवार को मंदिर के राजमहल मालवीय एवं उनके समूह ने कबीर वाणी की प्रस्तुतियों से प्रातःकालीन सत्र की शुरुआत की। तंबूरा, ढोलक, वायलिन और हारमोनियम की मधुर संगत पर राजमहल मालवीय ने संत कबीर के भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस संगीत में सुबह में कबीर की वाणी ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया और उन्होंने कबीर की शिक्षाओं को आत्मसात कर आत्मीय शांति का अनुभव किया। श्रोताओं ने बताया कि इस प्रस्तुति ने उन्हें आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान किया है। समारोह का क्रम दोपहर 3 से 5 बजे संवाद सत्र और काव्य गोष्ठी के साथ आगे बढ़ेगा। इसके बाद शाम 7 से 8:30 बजे तक कबीर गायन की प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा, जिसमें और भी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस समारोह का आयोजन विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष में किया गया है और यह श्रोताओं के लिए एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव साबित हो रहा है। आज जवाहर कला केंद्र की ओर से विश्व संगीत दिवस पर आज इन्होंने जो कबीर की वाणी को रखा या इस आयोजन को रखा, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम आप सभी के बीच में इन शब्दों को रखने का हमें अवसर मिला। और जो यहाँ पर सुनने के लिए जो आए थे वो अद्भुत, उनके अंदर वो क्षमता थी सुनने की, जबकि कबीर को सुनने के लिए बहुत जज्बा लगता है। विश्व संगीत दिवस के 2 दिवसीय समारोह के अंतर्गत आज का जो दूसरे दिन का कार्यक्रम है वो प्रातःकालीन सभा 7 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत इंदौर के श्रीमान राजमल मालवीय जी उनके समूह ने सामूहिक प्रस्तुति दी और उचित संख्या में दर्शक मौजूद थे। और उसके बाद 3 बजे दोपहर में संवाद प्रवाह, काव्य गोष्ठी और ओपन माइक सेशन रखे गए हैं। तो 3 से 5 बजे तक के समय में हमारे बीच में साहित्य गण मौजूद रहेंगे। इसके उपरांत फिर आज रात्रि को शाम 7 बजे रंगायन सभागार में जैसलमेर के भी आगे से छतपुरा तहसील जो है वहाँ से हमारे महेशा राम जी मेघवाल व समूह शाम को रंगारंग प्रस्तुति देंगे। यही कबीर गायन अमृतवाणी।